हरिद्वार महाकुंभ के शाही स्नान का वक्त तय हो चुका है, जहां पेशवाई के लिए आए अखाड़े कल सुबह से आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। महाकुंभ के शाही स्नान के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारियां की गई हैं। तमाम अखाड़ों के लिए अलग अलग वक्त तय किया गया है, जिसमें उन्हें शाही स्नान करना होगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए इंतजाम बेहद खास तरीके से किए गए हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं कौन सा अखाड़ा कल किस वक्त शाही स्नान करेगा। कुंभ के शाही स्नान का काउंटडाउन शुरू। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर लगेगा संतों का जमावड़ा। कल होगा आस्था से जुड़े अखाड़ों का शाही स्नान। पेशवाई के बाद शाही स्नान की बारी। ये चार तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हरिद्वार महाकुंभ में शाही स्नान की तैयारी किस तरह चल रही है और कल होने वाले शाही स्नान से पहले हरिद्वार में किस तरह से हलचल देखी जा रही है। कोरोना के खतरे के बावजूद हरिद्वार महाकुंभ की छटा देखते ही बन रही है, जहां पर लंबे वक्त से लोगों को इंतजार था संतों के शाही स्नान का। सनातन परंपरा में दिव्य कुंभ का अपना अलग महत्व है और अखाड़ों के शाही स्नान के बिना महाकुंभ पूरा नहीं हो सकता है। ऐसे में अब जब कल महाकुंभ का शाही स्नान होने जा रहा है तो लोगों की भावनाओं का ज्वार भी उमड़ता दिख रहा है। पहले आपको ये बताते हैं कि कल कब कितने बजे कौन सा अखाड़ा शाही स्नान में हिस्सा लेने जा रहा है। शाही स्नान के लिए वक्त तय हो गया है। अखाड़ों को शाही स्नान के लिए 30-30 मिनट का वक्त मिला है। हर की पैड़ी पर अखाड़ों के संत लगाएंगे आस्था की डुबकी। सुबह 10:15 पर निरंजनी अखाड़े के संत सबसे पहले डुबकी लगाएंगे। इसके बाद 10:50 पर जूना अखाड़े के संत शाही स्नान करेंगे। महानिर्वाणी अखाड़े के संत 11:50 पर शाही स्नान करेंगे। बैरागी अखाड़े के संत 12:40 पर शाही स्नान करेंगे। पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के संत 2:50 पर डुबकी लगाएंगे। पंचायती नया उदासीन अखाड़े के संत 4:35 पर शाही स्नान करेंगे, जबकि निर्मल अखाड़े के संत सबसे आखिर में शाम 5 शाही स्नान करेंगे। हरिद्वार में होने वाले शाही स्नान के लिए प्रशासन ने भी खास तैयारी की है, जिसके तहत सुबह 7 से ही हर की पैड़ी को श्रद्धालुओं से खाली करा लिया जाएगा और शाम को आखिरी अखाड़े के स्नान के बाद ही आम श्रद्धालुओं के लिए हर की पैड़ी को खोला जाएगा। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए भी हरिद्वार में खास इंतजाम किए गए हैं, ताकि लोगों और संतों को इसके खतरे से बचाया जा सके और शाही स्नान को भव्य तरीके से सम्पन्न कराया जा सके। हरिद्वार से पंकज राणा और अजीत सिंह राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो हो सकता है कि कोरोना के वजह से शायद आपके मन में ये कसक रह गई हो कि आप जाकर आस्था की डुबकी ना लगा पाएं, लेकिन यकीन मानिए एबीपी गंगा पर हम आपको हर एक तैयारी और हर एक खूबसूरती कुंभ की दिखाने वाले हैं। तो चलिए अब हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी प्राची का, जो इस वक्त कुंभ नगरी में मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो जहां है वहां की सबसे पहले तो झलकी दिखाएं। प्राची, बिल्कुल माना जाता है सौभाग्य है कि कुंभ में भले कोरोना काल है, मौजूद रहना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। आप पहले तस्वीरों को दिखाइए जहां आप खड़ी हैं। बिल्कुल स्नेहलता, देखिए बिना देर किए हम अपने दर्शकों को तस्वीरें ही दिखाएंगे, क्योंकि आज हम यही लगातार कह रहे हैं कि शब्दों से ज्यादा आज तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। और जैसा कि आपने कहा स्नेहलता कि देखिए कोरोना का जरूर इफेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद आस्था कम नहीं हो रही है और लोग जो हैं वो पहुँच रहे हैं और पहुँच कर आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। मेरे पीछे का जो दृश्य है, मैं ज़रूर कहूँगी अपने कैमरा सहयोगी सुनील से कि वो दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि ये दृश्य आज बहुत कुछ कह रहा है, बता रहा है कि महा
महाकुंभ को कैसे दिव्य बनाया जा रहा है और महाकुंभ को कैसे भव्य बनाया जा रहा है। देखिए अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी भी लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन स्नेहलता कल सुबह जब शाही स्नान होगा, ये दूसरा शाही स्नान है इस महाकुंभ का, उस वक्त आम लोगों को घाट पर एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी हर की पैड़ी पर एंट्री नहीं दी जाएगी। सिर्फ जो अखाड़ों के साधु संत हैं वही आ सकेंगे और वही स्नान करेंगे। जब अखाड़ों के संत, जब सभी अखाड़ों के संत स्नान कर लेंगे स्नेहलता, उसके बाद ही आम लोग यहां पर एंट्री ले सकेंगे, वो स्नान कर सकेंगे। जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये तस्वीरें आप देखिए कैसे हर की पैड़ी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइट्स अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं, साथ ही साथ लोगों का उत्साह भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है। इसके साथ ही साथ प्रशासन ने भी मुकम्मल इंतजाम स्नेहलता यहाँ पर किए हैं। हम जब से पहुंचे हैं हरिद्वार में, हम देख रहे हैं कि जगह जगह एम्बुलेंस खड़ी हुई है, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, अगर किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी होती है तो उसे तुरंत राहत दी जाए, ये कोशिश इस महाकुंभ में की जा रही है। इसके साथ ही साथ स्नेहलता एक और दिलचस्प तस्वीर हमने देखी कि चूंकि कल शाही स्नान है तो अब जो हौदे होते हैं अखाड़ों के वरिष्ठ संतों के लिए, वो सजकर तैयार हो गए हैं। हौदों को मैं अपने दर्शकों को समझा दूं कि वो एक तरीके की पालकी है जो कि चांदी से बनी होती है, उसमें बैठकर अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो शाही स्नान में पहुंचेंगे, वो भी सजकर पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं, यानी भक्तिमय माहौल है। पूरी जो ये हरिद्वार नगरी है वो फिलहाल महाकुंभ के रंगों में डूबी हुई स्नेहलता नजर आ रही है, और साथ ही साथ गंगा कलकल बहती हुई इस दृश्य को और भी ज्यादा पवित्र और सुंदर बना रही है स्नेहलता। बिल्कुल, और बिल्कुल प्राची आपने तस्वीरें तो दिखा दी, दर्शक भी देख रहे होंगे कुंभ की छटा, लेकिन हम रुक करेंगे ब्यूरो चीफ अजीत राठी जी का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अजीत जी, दिल्ली में मेट्रो चलते देखी जिसपे लिखा था कुंभ आइए कुंभ पधारिए, लेकिन जो परिस्थिति है वो कोरोना काल है। आपने और भी कुंभ कवर किए हैं, क्या लगता है कि कितना बड़ा मिस है लोगों के लिए? मन में कसक तो रह गई है थोड़ी सी कि कुंभ आ नहीं पाएंगे, आएंगे भी तो बहुत मुश्किलें हैं। जी देखिए, बिल्कुल कहीं आशंकाएं शंकाएं तो मन में जरूर रहती है, जब इतना बड़ा पेंडेमिक हो तो उसके बाद तो ये शंकाएं और ये खतरे की आशंकाएं तमाम लगी रहती हैं। लेकिन अब मैं आपको स्नेहलता एक बात ये बता देता हूँ, मैं भी इस समय हर की पौड़ी पर हूँ और जहाँ अभी थोड़ी देर पहले गंगा आरती हुई, तो इस महामारी पर आस्था भारी पड़ रही है। तो आप ये देखिए कि हो सकता है कि संख्या कम हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कुंभ जैसी बात कहीं नजर ना आ रही हो। और जिस हिसाब से यहाँ पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, संख्या भले ही कम हो, और अभी हम कह रहे हैं कि संख्या कम हो सकती है, जब भोर के साथ ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का समय शुरू होगा, उसके बाद जब यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि आपके पीछे की तस्वीरें बहुत बहुत आकर्षित कर रही है, जरा उनको दिखाते हुए भी आप अपनी बात को जारी रखेंगे तो बेहतर होगा। जी जी कृष्ण जी, मैं अपने सहयोगी क्रिस्टोफर से कहूंगा कि जरा पीछे की तस्वीर दिखाए और पतित पावनी माँ गंगा के किनारे पर उसके उज्जवल और उसके निरंतर और कोमल उसके जल का प्रवाह को आप अपने दर्शकों को दिखा सके। और ये वही पतित पावनी है जो जिसको हम जीवन दायिनी, मोक्ष दायिनी और हम तमाम उपनाम और तमाम अलंकार इनके लिए रखते हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ गंगा का मंदिर है सामने, यही हर रोज यहाँ पर गंगा आरती होती है, और अब कुंभ का माहौल है, धर्म का माहौल है, और आप जानती हैं कि जैसे हिंदू धर्म और संस्कृति का ध्वजवाहक होता है महाकुंभ, और ये हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे देश दुनिया में महाकुंभ एक ऐसी धार्मिक विरासत है जो पता नहीं सदियों से, हजारों सालों से चली आ रही है, और यही एक आयोजन स्नेहलता ऐसा है पूरे दुनिया में जिसके 5000 साल पहले जो कुंभ हुआ होगा उसकी तारीखें भी तय थी, और जो 5000 साल बाद होगा उसकी भी तिथियां तय है। तो ऐसा आयोजन पूरी दुनिया में, पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई दूसरा धार्मिक आयोजन देखने को नहीं मिलता जिसकी हजारों हजारों साल पहले, सैकड़ों सदियों पहले कोई तारीख तय हो जाती हो। तो ये आप देख रहे हैं कितना मनोहरम दृश्य है, कितना विहंगम दृश्य है। यहाँ आकर जो दिल के भाव जो धर्म के लिए उमड़ते हैं, जो धर्म, जो आस्था का सैलाब अपने व्यक्ति के भीतर से उमड़ता है, और लोग जो छल कपट सब त्याग कर गंगा के किनारे आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं और कहते हैं कि जन का कल्याण हो, हमारे पाप दूर हो, और हमें ऐसे रास्तों पर चलने की एक शिक्षा, एक ऐसा ऐसी प्रेरणा दे गंगा माँ की हम, ताकि जन कल्याण के साथ दूसरों का भला कर सके, समाज को बुराइयों से बचा सके। बिल्कुल अजीत, तमाम ऐसी अच्छाइयां यहां से हम लेकर के जाते हैं। पुराने वक्त से ही
जल ही जीवन और माँ गंगा से जोड़ के ऐसे पर्व बनाए गए हैं जिससे हर वक्त एहसास रहे कि कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया और कुदरत की गोद में ही हम पले बढ़े हैं। और ये सुबह 5 बजे का जो दृश्य होगा उसके लिए हमारे दर्शकों को सुबह 5 बजे से हमारी ये खास कवरेज देखनी होगी, जहां आप सभी के माध्यम से प्राची, अजित, आप ही और हमारे 5 कैमरों के नज़र से हम ये खास कवरेज आपको दिखाएंगे। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हम बताएं आपको कि हरिद्वार में जो महाकुंभ चल रहा है, देश दुनिया के लोग डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी के साथ आपको क्या पता है ये कैसे तय होता है कि किस समय पर कब कुंभ लगेगा? नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे तय होता है कि किस तीर्थ, किस मुहूर्त में, किस तारीख में कुंभ होगा। आस्था की अनंत गाथाओं के बीच भारतवर्ष की धरती पर एक बार फिर से उतर चुका है कुंभ। ये वो महापर्व है जिसमें श्रद्धा का विहंगम स्वरूप दिखता है। समर्पण के सागर में आस्था की डुबकियां लगती हैं। अनगिनत सन्यासी, महंत, श्री महंत, महामंडलेश्वर, अखाड़े और अखाड़ों के जीवन सूत्र का प्रतीक बनकर लहराती गगन चुंबी धर्म ध्वजाएं। धर्म का ऐसा विस्तार, संस्कृति का ऐसा संयोग और आस्था का ऐसा अद्भुत रूप कुंभ के अलावा कहीं भी दिख नहीं सकता। मंत्रोच्चार है, श्लोक है, योग है, संसार से वियोग भी है। आध्यात्म और आस्था से पगी पूरी एक परंपरा का समृद्ध और दुर्लभ क्षण है महाकुंभ। वैष्णव और सन्यास परंपरा की अलग अलग धाराएं, अलग अलग धारणाएं, अलग अलग इष्ट और अलग अलग वेशभूषा, अलग अखाड़े, पूजा पद्धति अलग, धर्माधीश अलग, पताकाएं अलग, लेकिन विभिन्नताओं से भरे इस आध्यात्मिक संसार का लक्ष्य केवल एक है। वेदों की व्याख्या और पुराणों के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि आस्था के इस महायोग के निर्धारण के लिए सटीक वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में महाकुंभ के योग का विस्तृत वर्णन मिलता है। कुंभ के ज्योतिषी योग का वर्णन वाराह पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण और ब्रह्म पुराण में विस्तार से मिलता है। ज्योतिषी गणना के अनुसार 4 तीर्थस्थलों पर कुंभ का आयोजन अलग अलग ग्रहों के संयोग के आधार पर होता है। हरिद्वार महाकुंभ। पद्मिनी नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरु गंगा द्वारे भवेत योग कुंभ नामा तथोत्तमा। यानी हरिद्वार में महाकुंभ का योग तब बनता है जब कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है और मेष राशि में सूर्य विराजमान होते हैं। पुराणों के अनुसार कुंभ की गणना हरिद्वार से प्रारंभ होती है और इसके बाद प्रयाग, नासिक और उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। नारदी पुराण, शिव पुराण, वाराह पुराण और ब्रह्म पुराण में अर्ध कुंभ के आयोजन को लेकर भी ज्योतिषीय विश्लेषण मिलते हैं। प्रयागराज महाकुंभ। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योग कुंभख्यस तीर्थ नायके। मतलब जब मेष राशि के चक्र में बृहस्पति हो तब सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज में कुंभ आयोजित होता है। हालांकि प्रयाग में महाकुंभ को लेकर एक और योग का वर्णन मिलता है। नासिक महाकुंभ। सिंह राशि गते सूर्य सिंह राशो बृहस्पतो गोदावर्या भवेत कुंभो जायते खलु मुक्तिदः। अर्थात जब सिंह राशि में बृहस्पति और सूर्य दोनों विद्यमान हों तब गोदावरी के तट पर मुक्ति प्रदान करने वाले महाकुंभ का योग बनता है। उज्जैन महाकुंभ। मेष राशि गते सूर्य सिंह राशो बृहस्पतो उज्जैन्याम भवेत कुंभ सदा मुक्ति प्रदायक। जब मेष राशि में सूर्य हो और सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश हो तब उज्जैन में महाकुंभ का संयोग होता है जो मुक्ति प्रदान करने वाला है। आस्था के इस महाकुंभ में आप चाहे जितनी गहराई तक उतर जाइए आपको उसका ओर छोर नहीं मिलेगा। मिलेगी तो बस अंतर मन को छू जाने वाली गाथाएं और जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देने वाला रास्ता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो अभी आपने इस रिपोर्ट से देखा समझा कि किस तरह से महाकुंभ की तिथि तय होती है, लेकिन यहाँ महाकुंभ में मुहूर्त का भी अपना योगदान है, एक अपनी अहमियत है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार की मुहूर्त को लेकर क्या कुछ खास है,
कैसी जानकारी है अजीत राठी जी के पास हम रुक करेंगे। अजीत जी बताइए कि मुहूर्त को लेकर इस बार किस तरह की जानकारी है, क्या कुछ खास है? श्रीता देखिए जैसे भोर होगी और ब्रह्म मुहूर्त होगा कि 5 बजे से स्नान शुरू हो जाएगा और जिस तरह से अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से हर अखाड़े को आधे आधे घंटे का समय दिया गया है कि हर अखाड़े का समय नियत है वो आएगा और आधे घंटे में स्नान करेगा और वो आधे घंटे के बाद उसकी वापसी हो जाएगी। आगमन के साथ परागमन भी उसका साथ साथ निश्चित किया गया है और मेला प्रशासन और साधु संतों के साथ मिलकर के इस समय तय हो गया है 5 बजे सुबह सवेरे स्नान की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद ये स्नान की का सिलसिला पूरे दोपहर बाद तक चलेगा और 5 बजे लास्ट स्नान होगा। तो इसी को लेकर के यहाँ पर पूरी तैयारियाँ की गई हैं। जैसा अभी आपने अपने दर्शकों को दिखाया भी और बताया भी किस तरह से तिथियां तय होती है और ब्रह्म मुहूर्त में किस तरह से स्नान का एक समय तय होता है, उसका धार्मिक महत्व क्या होता है, तो ये है। और वरना गंगा माँ तो एवरल तरीके से निर्मल तरीके से हमेशा बहती रहती है, इन तिथियों में आखिर और ब्रह्म मुहूर्त में आखिर किस तरह के स्नान का क्या महत्व होता है, उसका क्या धार्मिक महत्व होता है और व्यक्ति के अपने जीवन में उससे किस तरह से समृद्धि आती है, किस तरह से वो बौद्धिक तौर पर बहुत ही समृद्ध होने की कोशिश करता है, ये सारी यहाँ पर जो एक प्रेरणा जैसा माहौल बनता है जैसे गंगा माँ की तरफ से एक प्रेरणा सबको मिल रही हो, जिस तरह से मैं सभी को जीवन दे रही हूँ तो उसी तरह से तुम भी दूसरों के जीवन को कष्ट देने के बजाय एक पुरुषार्थ और परोपकार की राह पर चलने का काम करो। तो प्राचीनता ये कुंभ है और ये धर्म क्षेत्र है, ये धर्म का बिल्कुल प्राची का भी रुख करेंगे और प्राची से भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्राची बताइए कि कल सुबह 5 बजे की छठा जब हम दर्शकों को दिखाएंगे उस वक्त के लिए कुछ खास तैयारी की गई होगी और अभी बहुत खूबसूरत दिख रहा है आपके पीछे का नजारा। तो बिल्कुल स्नेहलता देखिए जानकारी आपको जरूर देते रहेंगे लेकिन इसके साथ ही साथ दर्शकों से हम ये नजारा देखने का जो मौका है वो नहीं छोड़ेंगे। तो हम नजारा दिखाते रहेंगे और जानकारी देते रहेंगे कि फिलहाल किस तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी स्नेहलता बताया था कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से भी खास इंतजाम है, साथ ही साथ किसी का अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो उसको लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो हर की पैड़ी है उसे बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा सहयोगी सुनील से कि वो दिखाएं मेरे पीछे का दृश्य है क्योंकि तस्वीरें देखना आज के दिन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये तस्वीरें हर कोई अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। तो स्नेहलता तैयारियों की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप इन तस्वीरों को खुद देखिए और समझिए कैसे रंग बिरंगी लाइटिंग की गई है, सुंदर बनाया गया है पूरे दृश्य को और कोरोना है इसलिए बातों का ध्यान रखा जा रहा है, जो SOPs हैं उनका ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जैसा कि मेरे सहयोगी अजीत ने कहा कि इस बार महामारी पर जो आस्था है वो भारी पड़ रही है और लोग आस्था में सराबोर होकर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये हर की पैड़ी की तस्वीरें हैं, यहीं पर कल शाही स्नान स्नेहलता होगा और ये जो आप बीच में ब्रिज देख रहे हैं यहीं से अखाड़े आएंगे और बारी बारी से वो स्नान करेंगे। चूंकि हर अखाड़े को आधे आधे घंटे का वक्त दिया गया है तो वो अपने आधे घंटे में स्नान करेंगे, गंगा स्नान करेंगे और फिर उसके बाद वो यहाँ से जाएंगे और फिर अगले अखाड़े का जो नंबर है वो आएगा। बहरहाल अभी श्रद्धालु जो हैं वो इस महाकुंभ का लुत्फ उठाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, कोई गंगा में डुबकी लगा रहा है तो कोई मंदिर में मत्था टेक रहा है तो कोई अपने ईष्ट को मना रहा है तो कोई साधु संतों के पास जाकर अपनी समस्याओं का हल जानने की कोशिश कर रहा है, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं जो आज हमने दिन भर से नोटिस किया है स्नेहलता कि क्या है आखिर महाकुंभ। इसे अगर समझा जाए तो आप ऐसे ही समझिए कि ये आस्था का कुंभ है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने ईष्ट को मनाने के लिए, अपने भगवान को मनाने के लिए और माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए। स्नेहलता बिल्कुल प्राची और दर्शक बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, कल सुबह 5 बजे से ABP गंगा पर हम लगातार कोशिश करेंगे कि कुंभ की इन्हीं छटाओं को हम आप तक पहुंचाएं। भले आप कुंभ ना जा सकते हो लेकिन कुंभ की छटाएं आप तक जरूर पहुंचेंगी। आप हमारे साथ बने रहिए और हम आगे बढ़ें। हमारे पास भी एक और छोटी रिपोर्ट है, वो किस बारे में है आपको बताएं कि हरिद्वार महाकुंभ में कल होने जा रहे शाही स्नान को लेकर धर्मनगरी में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। हर की पैड़ी समेत कुंभ के दूसरे तमाम अहम स्थानों पर पैनी नजर रखी जा रही है। महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जितना बड़ा ये आयोजन है इसकी तैयारियां भी इतनी ही जबरदस्त होती हैं। महाकुंभ में शाही स्नान के दिन भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए धर्मनगरी में
फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया। हरिद्वार आने वाले हर रास्ते पर कड़ी निगरानी है। शाही स्नान को देखते हुए ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। शहर में भीड़ भाड़ न हो इसके लिए धर्मनगरी के आउटर पर ही पार्किंग बनाई गई है। हरिद्वार में किसी भी तरफ से यदि कोई बड़ा वाहन आ रहा है तो उसे एंट्री नहीं दी जा रही है। हरिद्वार में जीरो जोन घोषित कर दिया गया है और कल से ये ट्रैफिक प्लान पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इस वक्त मैं चंडी घाट पर मौजूद हूँ जो चंडी घाट उत्तर प्रदेश की ओर से अपनी एरिया को कनेक्ट करता है, हरिद्वार को कनेक्ट करता है। यहाँ पर पूरी तरह से जो वाहन है उनकी आवाजाही रोक दी गई है। कोई भी बड़ा वाहन चंडी पुल से निकल कर सीधे हरिद्वार की ओर नहीं जा रहा है। उन्हें ये जो यहाँ पर काली मंदिर वाला रास्ता है जो चंडी देवी मंदिर को भी कनेक्ट करता है उससे डाइवर्ट कर दिया जा रहा है और सीधे ये जो नेपाली फार्म है वहाँ पर निकलता है। तो देहरादून के जाने वाले वाहनों को इससे भेजा जा रहा है और यदि जो जरूरत की चीजें वाले वाहन है उनको इसी मार्ग से अंदर भेजा जाता है। अब आपको बताते हैं कि कुंभ क्षेत्र में कहां-कहां पर पार्किंग बनाई गई है। सहारनपुर से आने वाले वाहनों की पीठ बाजार और धीरावली पार्किंग बनाई गई है। वहीं नजीबाबाद कोटद्वार नैनीताल से आने वाले वाहनों के लिए गौरीशंकर नीरधारा पार्किंग, दिल्ली मेरठ मुजफ्फरनगर की ओर से आने वाले वाहनों की दक्ष जगजीतपुर पार्किंग, देहरादून ऋषिकेश और गढ़वाल की ओर से आने वाले वाहनों की दूधिया बंद सप्त सरोवर शांति कुंज में पार्किंग रहेगी। शाही स्नान को देखते हुए कुंभ क्षेत्र में भारी वाहनों की एंट्री बंद है। यात्री जिनके वाहन चंडी देवी पार्किंग के आसपास गौरीशंकर पार्किंग और नीलधारा पार्किंग में पार्क किए गए हैं तो वहाँ पर वो लगातार यहाँ से पैदल जा रहे हैं। कई यात्री आप देख रहे हैं कि ये जो यात्री हैं ये अपने वाहनों को पार्क करके ही आए हैं और ये तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलकर अब सीधे हर की पौड़ी पहुँचेंगे। तो इस तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं क्योंकि वाहन को पहले ही 1.5-2 किलोमीटर पहले ही पार्किंग में रोक दिया गया है। उधर महाकुंभ में जुटने वाली भीड़ को देखते हुए कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसके जरिए महाकुंभ क्षेत्र पर 300 कैमरों से नजर रखी जा रही है। कमांड एंड कंट्रोल रूम की अभी कुछ रोज पहले ही सीएम तीरथ सिंह रावत ने शुरुआत की थी। इस कमांड एंड कंट्रोल रूम में हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए कुंभ के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हर की पैड़ी पर पुलिस और खुफिया एजेंसियां विशेष निगरानी रखेंगी, सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो ये है व्यवस्थाएं जो पार्किंग समेत तमाम चीजों का ध्यान रखा गया है ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। लेकिन हकीकत में महाकुंभ में और देवभूमि में चल क्या रहा है इसके लिए हमारे रिपोर्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमारे सहयोगी का रुख करेंगे, पंकज राणा भी हमसे जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। पंकज ये बताइए आप जहाँ मौजूद हैं वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, जानकारी क्या है, किस तरीके की तैयारी? इसमें ऐसा इस वक्त मैं चंडी घाट पे मौजूद हूँ और चंडी घाट ये वो जगह है जहाँ पर बिजनौर उत्तर प्रदेश और तमाम दिल्ली की ओर से श्रद्धालु आते हैं। पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो कई कई किलोमीटर पैदल चलकर जो माँ गंगा है आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। पुलिस फोर्स का इंतजाम किया गया है और बड़ी बात यह है कि यहाँ पूरी तरह से जीरो जोन घोषित किया गया है। यहाँ पर किसी भी तरह से बड़े वाहन की आवाजाही नहीं हो रही है। देखिए कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है। अमूमन इस चौक पर भारी संख्या में जब सामान्य दिन होते हैं तो भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और स्नान करने अपनी गाड़ी से जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर सिर्फ दुपहिया वाहनों की परमिशन दी गई है और तमाम जो श्रद्धालु है वो पैदल चलकर गंगा आरती सुनकर पैदल चलकर अपने गंतव्य को जा रहे हैं जहाँ वो रुके हुए हैं। कई जगह ऐसी हैं जहाँ लोग फुटपाथ पर ही रुके हुए हैं क्योंकि उन्हें कहीं रुकने की जगह नहीं मिली, धर्मशालाओं में बुकिंग नहीं हुई। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट नहीं है, जो जिनको होटलों में रूम नहीं दिए गए हैं। तो इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। एक नजारा था जो खूबसूरत था, बहुत सुंदर था, जो हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने दिखाया वहां से और तमाम अपराधी ने वहां से बताया कि किस तरह का नजारा। लेकिन एक तस्वीर ये भी है हरिद्वार की, ये तस्वीर भी आप देख लीजिए कि किस तरह से दर्शक देख रहे होंगे। लोग वहां से अपने कई कई किलोमीटर दूर से चलकर लोग आ रहे हैं, अपने गंतव्य को जा रहे हैं और सुबह का उन्हें इंतजार है जब शाही स्नान होंगे, क्योंकि शाही स्नान के लिए इसने लगता इसी जगह से जो रैलियां होंगी जो पेशवाई है इसी जगह से निकलकर जाएंगे। चंडी घाट से ही सारे अखाड़े अपनी पेशवाई को लेकर जाएंगे, ये वही जगह है और यहीं पर कल तमाम जो पुलिस फोर्स है तमाम जो व्यवस्था है वो टास्क बंद की जाएगी। कुछ अंधेरा है नहीं तो मैं कुछ तस्वीरें ऐसी भी दिखाता कि कुछ लोग जो अंदर यहीं पर बैठे हुए हैं, जब जो ये पूरा फुटपाथ बना हुआ है इसके पीछे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा। उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया है, वो यहीं पर बैठे हुए हैं, रात भर उनका इंतजार है और अच्छा। यहीं पर बैठकर उन्होंने खाना शुरू कर दिया है, बैठ गए हैं वो घर से खाना बना के लाए हैं, इसी की तस्वीरें ये हैं और इनको सुबह का इंतजार है।
सुबह का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही दिन निकलेगा सुबह 4 बजे फिर ये माँ गंगा की आरती में शरीक होने चले जाएंगे, अर्की पौड़ी पहुंचेंगे और फिर अखाड़ों को वो देखने के लिए जो संत महात्मा तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, जो लंबे समय तपस्या कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद के लिए ये यहाँ बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब आज का दिन है, आज की रात है और जैसे ही ये रात खत्म होगी बिल्कुल पंकज आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वो पर्व है जिसे मनाने के लिए लोग पैदल चल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं ताकि एक झलक मिल सके, आशीर्वाद मिल सके उन साधु संतों का जो एकांतवास में जीवन व्यतीत करते हैं। सिर्फ कुंभ के मौके पर ही वो सबके सामने आते हैं और ऐसे दिखते हैं, तो उनके आशीर्वाद लेने का मौका। तो अब ये तय हो चुका है कि आखिरकार कल कौन कब शाही स्नान करने वाला है अखाड़ा। लेकिन आपको ये भी जानकारी देते हैं कि जो भी अखाड़े शाही स्नान के लिए आएंगे उनका रूट प्लान क्या है। दरअसल शाही स्नान से पहले सभी अखाड़े खास रास्ते से होकर पहुंचते हैं, तो चलिए आपको भी उन अखाड़ों के उस खास रूट प्लान से रूबरू कराते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार महाकुंभ के रंग में रंगी हुई है और इस रंग को और चटक बनाता है महाकुंभ का शाही स्नान। हरिद्वार महाकुंभ का शाही स्नान कल सुबह 10:15 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। इस बीच तमाम अखाड़े शाही स्नान में शिरकत करेंगे, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन सा अखाड़ा किस रूट से होकर शाही स्नान में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेगा। निरंजनी अखाड़ा सुबह 8:30 बजे प्रस्थान करेगा। शंकराचार्य चौक होते हुए चंडी घाट चौराहे पहुंचेंगे संत। सामान रखने के स्थान रोटी से होते हुए शॉल पुल जाएंगे और ब्रह्म कुंड में 10:15 बजे संत शाही स्नान करेंगे। केशव तिराहा से शंकराचार्य चौक होते हुए वापस ही अपने अखाड़े पहुंचेंगे। इसके बाद जूना अखाड़े की करते हैं जो सुबह 8:30 बजे प्रस्थान करेगा। इसके संत शंकराचार्य चौराहे होते हुए चंडी घाट चौराहे पहुंचेंगे। सामान रखने के स्थान रोटी होते हुए शॉल पुल जाएंगे। 10:50 मिनट पर संत शाही स्नान करेंगे। 11:20 मिनट पर जूना अखाड़ा ब्रह्म कुंड से सीधे छावनी पहुंचेगा। महानिर्वाणी अखाड़ा सुबह 9:30 बजे शाही स्नान के लिए प्रस्थान करेगा जो शंकराचार्य चौक होते हुए चंडी घाट चौराहे पहुंचेगा। सामान रखने के स्थान रोटी होते हुए संत शॉल पुल जाएंगे। साथ ही ब्रह्म कुंड में 11:50 मिनट पर संत शाही स्नान करेंगे। 12:20 मिनट पर शंकराचार्य चौक होते हुए वापस अपने अखाड़े पहुंचेंगे संत। बैरागी अखाड़ा सुबह 10:30 बजे शाही स्नान के लिए बैरागी कैंप से प्रस्थान करेगा। शंकराचार्य चौक होते हुए चंडी घाट चौराहे पहुंचेंगे संत। सामान रखने के स्थान रोडी कैंप होते हुए संत शॉल पुल जाएंगे। ब्रह्म कुंड में 2 बजे शाही स्नान होगा। केशव आश्रम होते हुए संत वापस छावनी पहुंचेंगे। पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा दोपहर 12 बजे अखाड़े से प्रस्थान करेगा। शंकराचार्य चौक होते हुए चंडी घाट चौराहे पहुंचेंगे संत। सामान रखने के स्थान रोडी होते हुए सभी संत शॉल पुल जाएंगे। इसके बाद 3:20 मिनट पर स्नान कर शंकराचार्य चौक से वापस अखाड़े पहुंचेंगे। वहीं पंचायती नया अखाड़ा दोपहर 2:25 मिनट पर प्रस्थान करेगा। शंकराचार्य चौक होते हुए चंडी घाट चौराहे पहुंचेंगे संत। सामान रखने के स्थान रोडी होते हुए संत शॉल पुल जाएंगे। इसके बाद 5:05 मिनट पर केशव आश्रम तिराहा से वापस अखाड़े पहुंचेंगे संत। दोपहर 2:15 मिनट पर निर्मल अखाड़े का प्रस्थान होगा। शंकराचार्य चौक होते हुए चंडी घाट चौराहे पहुंचेंगे संत। सामान रखने के स्थान रोडी होते हुए सभी संत शॉल पुल जाएंगे और शाम को 5 बजे शाही स्नान करेंगे। साथ ही 5:30 बजे इनकी वापसी होगी। रोडी कैंप होते हुए अपने अखाड़े वापस लौटेंगे संत। निर्मल अखाड़े के शाही स्नान के साथ ही महाकुंभ में शाही स्नान समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही वो महान सनातन परंपरा भी संपन्न होगी जो सदियों से ऐसे चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। तो कुछ इस तरह से शाही स्नान का क्रम होगा जैसा कि हमने आपको बताया, लेकिन अब इंतजार खत्म ही होने वाला है। 5 बजे से शाही स्नान की लगातार कवरेज आप देखेंगे और इसी बीच चलिए हम फिर से रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी का प्राची और अजित राठी जी लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। प्राची आपके पास भी आएंगे, इससे पहले जरा अजित राठी जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। पंकज ने अभी तस्वीरें भी दिखाई कि कुछ लोग हैं जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी तो वो पैदल ही चल पड़े हैं, तो किस तरीके के आंकड़े भी हैं इस कुंभ से अजित जी?
सुनीता देखिए, वो आंकड़े वाली बात जो आप कह रही हैं वो बहुत मुकम्मल तौर पर तो नहीं है, लेकिन चूंकि रास्ते यहाँ पर आने के तमाम हैं और जैसे अभी पंकज ने बताया कि जो गंगा से पूरब की तरफ का वेस्टर्न यूपी है वो नजीबाबाद की तरफ से लोग आएंगे और नजीबाबाद से चिड़ियापुर रेंज पर वहाँ पर वो जाँचें हो रही है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन इसलिए थोड़ा सा पीछे रह जाता है चूँकि जिनके पास कोविड रिपोर्ट है तो वो दिखाकर वो प्रवेश कर ले रहे हैं कोविड रिपोर्ट दिखाने के बाद, लेकिन कई जगह ऐसा भी हो रहा है कि जैसा अभी पंकज बता रहे थे कि कुछ लोगों के पास कोविड रिपोर्ट नहीं है और वो गाहे भगाए कि नहीं रास्तों से वो कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन उनको कोई धर्मशाला या कोई होटल अपनी जगह आश्रय देने को तैयार नहीं है। हालांकि वो रात भर कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, किन हालात में रहेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन इस रात की सुबह तो होगी, भले ही वो प्रतीक्षा तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो कोविड 19 की जो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर लोगों को आनी है ज़्यादातर लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, जो SOP है उसको फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पर जगह जगह पुलिस खड़ी है और जितने भी बॉर्डर यहाँ से लगते हैं, चाहे हिमाचल की तरफ से पौंटा साहिब का बॉर्डर हो, चाहे सहारनपुर की तरफ से छोटमलपुर वाला बॉर्डर हो, चाहे दिल्ली मुजफ्फरनगर के बीच नारसन बॉर्डर या लक्सर या इधर चिड़ियापुर रेंज जो मुरादाबाद बिजनौर धामपुर और तमाम पूरे कुमाऊं क्षेत्र से लोग आते हैं, तो वहां पर कड़ी निगरानी इन्होंने रखी हुई है और पुलिस अपना काम कर रही है पूरी मुस्तैदी के साथ। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम जितने भी बॉर्डर एरिया हैं सभी जगह खड़ी हुई है, वो चेकअप भी कर रही हैं, वो अब जिस जो संदिग्ध होता है या 72 घंटे से पुरानी रिपोर्ट को लेकर का आता है तो वो फिर खुद भी अपने आप ही टेस्ट कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने की एक उम्मीद है, एक संभावना जताई जा रही है कि चूंकि पिछले शाही स्नान पर जो पहला शाही स्नान था उस पर बहुत भीड़ नहीं जुटी थी, लेकिन उसके बाद कुछ स्नान ऐसे हुए जिन पर काफ़ी भीड़ जुटी है। अच्छा। कल दूसरा शाही स्नान है और इस पर काफ़ी भीड़ जुटने की पूरी उम्मीद है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे की रात हो चुकी है और यहाँ से सारी चीज़ें आप देखिए जरा गौर से, रात हो चुकी है और वो जो आरती का क्रम था वो भी काफ़ी देर पहले संपन्न हो गया, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह है और इस उत्साह को लेकर के यहाँ लोग अपनी मन्नत पूरी करने को लेकर, और ये कुंभ चूंकि हर रोज़ नहीं आता, हर साल नहीं आता, इसकी एक अवधि होती है, उस अवधि को बीत जाने के बाद ही ऐसा धार्मिक आयोजन आयोजित होता है, तो लोग अपनी उस बात की प्रतीक्षा भी करते हैं, उस तिथि की प्रतीक्षा करते हैं और शाही स्नान के पर्व में ब्रह्म मुहूर्त में और जो समय एक बहुत महत्वपूर्ण होगा धर्म के क्षेत्र से या अपने व्यक्तिगत जो अपनी अपनी जो प्रेरणा है उनके क्षेत्र से जो उनकी तरफ से जो भी महत्वपूर्ण लगेगा, जो लोग श्रद्धा का भाव लेकर आस्था की डुबकी लगाने को लेकर यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ रात भर इन्हीं हर की पौड़ी पर विचरण कर रहे हैं और माँ गंगा की जो किनारे हैं उन पर घूम कर शायद ये उनका उत्साह ही है कि वो शांति महसूस कर रहे हैं, देने वाली बात होती है बिल्कुल कि उन्हें भूख प्यास छत या जमीन से उतना ज्यादा बिस्तर से फर्क नहीं पड़ रहा, वो बस शाही स्नान का इंतजार करते हैं। प्राची का रुख करते हैं क्योंकि प्राची जहाँ से खड़ी है वहाँ पे वो पुल भी दिखा सकती है जहां से कल शाही अखाड़ा, वो पालकी जिसका आप जिक्र कर रही थी प्राची, जरा बताइए कि जब वो पुल से होके गुजरेंगी अमूमन कितने लोगों की भीड़ होगी, कैसा नजारा होगा, हालांकि 5 बजे तक का इंतजार दर्शकों को करना होगा। बिल्कुल स्नेहलता, देखिए दृश्य देखने के लिए तो 5 बजे तक का इंतजार करना ही होगा, सुबह 5 बजे जब शाही स्नान शुरू होगा, लेकिन उससे पहले तैयारी क्या है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नजारा बहुत ही भव्य होगा। मेरे कैमरा सहयोगी सुनील से मैं कहूंगी कि मेरे पीछे जो ब्रिज है उसे दिखाने की कोशिश करें और मैं अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे जो अखाड़े हैं वो शाही स्नान में पहुंचेंगे और वो जो दृश्य होगा वो कैसा होगा। देखिए जो परंपरा है, परंपरा ये है कि अखाड़ों के जो वरिष्ठ साधु संत हैं, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो उन हौदों पर बैठकर शाही स्नान में पहुंचते हैं। हौदे चांदी के बने होते हैं, जैसा कि लगातार हम कह रहे हैं कि सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा मेला है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर छवि देखनी है, अगर आपको समझना है सनातन धर्म को, आपको साधु संतों को समझना है तो आप कुंभ आइए, आप आसानी से समझ सकते हैं और इसीलिए उन हौदों पर बैठकर अपने शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, अपने बल का प्रदर्शन किया जाता है, अपने सनातन जो हमारा धर्म है उसका प्रदर्शन किया जाता है और इसी पुल से होकर वो जो अखाड़े हैं वो एक एक करके आएंगे और स्नान करेंगे, जिसके लिए हमें सुबह 5 बजे तक का इंतजार करना होगा स्नेहलता। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं, जैसा कि अजीत ने तस्वीरें दिखाई और जैसे कि उन्होंने हालात बताए कि कोविड टेस्ट रिपोर्ट ही लेकर आनी है, खुद जब हम यहाँ पर आए तो हमें भी अपना टेस्ट कराना पड़ा, बाकायदा जाँच हुई स्नेहलता बॉर्डर पर, उसके बाद ही हमें हरिद्वार आने की इजाजत मिली। लेकिन फिर भी महाकुंभ का जो उत्साह है, आस्था जो है इसके प्रति, वो ऐसी है
नहीं लेता कि वहां पर लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े हुए थे और ये कोशिश कर रहे थे कि कोविड टेस्ट उनका अभी हो जाए ताकि वो इस दृश्य का साक्षी बन सकें, वो भी देख सकें कि महाकुंभ की छटा क्या होती है। इसके साथ ही साथ चूंकि महाकुंभ का हम जिक्र कर रहे हैं तो हर कोई जानता है कि 12 साल बाद ये घड़ी आती है, ये शुभ घड़ी आती है जब महाकुंभ हरिद्वार में लगता है। लेकिन इस बार स्नेहलता ये दिलचस्प है कि 11 साल बाद ये महाकुंभ लग रहा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये माना जाता है कि लगभग 150 साल बाद ग्रह नक्षत्र में परिवर्तन होता है और इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है, इसीलिए 11 साल बाद ये महाकुंभ लग रहा है। कोरोना की थोड़ी बहुत मार जरूर है स्नेहलता, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से कोरोना हावी है क्योंकि श्रद्धालु भारी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं और अपनी जो सहभागिता है वो निभा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कल के दृश्य का। और अभी भी स्नेहलता आप कैमरे की नजर से देख पाएंगी कि अभी भी लोग गंगा में डुबकी जरूर लगा रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हों, बच्चे हों, कोई भी एज का यहाँ पर शख्स हो वो डुबकी आस्था की जरूर लगा रहा है। स्नेहलता बिल्कुल बिल्कुल प्राची, ये तस्वीरें बस देखकर दिल खुश हो जा रहा है और एक श्रद्धा और एक भाव जो अपने आप जो आप बता रही हैं वो हम महसूस कर सकते हैं। यही वो छटा है जिसके लिए लोग 12 साल इंतजार करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और इसी बीच जैसी आपने तस्वीरें देखी उसके पीछे की हकीकत यानी कि जमीनी स्तर पे बंदोबस्त क्या है, कल होने जा रहे शाही स्नान को लेकर धर्म नगरी में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, हर की पैड़ी समेत कुंभ के दूसरे तमाम अहम स्थानों पर पैनी नजर रखी जा रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जितना बड़ा यह आयोजन है इसकी तैयारियां भी इतनी ही जबरदस्त होती हैं। महाकुंभ में शाही स्नान के दिन भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए धर्मनगरी में फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। हरिद्वार आने वाले हर रास्ते पर कड़ी निगरानी है, शाही स्नान को देखते हुए ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। शहर में भीड़ भाड़ न हो इसके लिए धर्मनगरी के आउटर पर ही पार्किंग बनाई गई है। हरिद्वार में किसी भी तरफ से यदि कोई बड़ा वाहन आ रहा है तो उसे एंट्री नहीं दी जा रही है। हरिद्वार में जीरो जोन घोषित कर दिया गया है और कल से ये ट्रैफिक प्लान पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इस वक्त मैं चंडीघाट पर मौजूद हूँ जो चंडीघाट उत्तर प्रदेश की ओर से अपनी एरिया को कनेक्ट करता है, हरिद्वार को कनेक्ट करता है। यहाँ पर पूरी तरह से जो वाहन है उनकी आवाजाही रोक दी गई है, कोई भी बड़ा वाहन चंडी पुल से निकल कर सीधे हरिद्वार की ओर नहीं जा रहा है। उन्हें ये जो यहाँ पर काली मंदिर वाला रास्ता है जो चंडी देवी मंदिर को भी कनेक्ट करता है उससे डाइवर्ट कर दिया जा रहा है और सीधे ये जो नेपाली फार्म है वहाँ पर निकलता है, तो देहरादून के जाने वाले वाहनों को इससे भेजा जा रहा है और यदि जो जरूरत की चीजें वाले वाहन है उनको इसी मार्ग से अंदर भेजा जाता है। अब आपको बताते हैं कि कुंभ क्षेत्र में कहां-कहां पर पार्किंग बनाई गई है। सहारनपुर से आने वाले वाहनों की पीठ बाजार और धीरावली पार्किंग बनाई गई है। वहीं नजीबाबाद, कोटद्वार, नैनीताल से आने वाले वाहनों के लिए गौरीशंकर, नीरधारा पार्किंग, दिल्ली मेरठ मुजफ्फरनगर की ओर से आने वाले वाहनों की दक्ष जगजीतपुर पार्किंग, देहरादून, ऋषिकेश और गढ़वाल की ओर से आने वाले वाहनों की दूधियाबंद, सप्त सरोवर, शांति कुंज में पार्किंग रहेगी। शाही स्नान को देखते हुए कुंभ क्षेत्र में भारी वाहनों की एंट्री बंद है। यात्री जिनके वाहन चंडी देवी पार्किंग के आसपास गौरीशंकर पार्किंग और नीलधारा पार्किंग में पार्क किए गए हैं तो वहाँ पर वो लगातार यहाँ से पैदल जा रहे हैं। कई यात्री आप देख रहे हैं कि ये जो यात्री हैं ये अपने वाहनों को पार्क करके ही आए हैं और ये तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलकर अब सीधे हर की पौड़ी पहुँचेंगे। तो इस तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं क्योंकि वाहन को पहले ही 1.5-2 किलोमीटर पहले ही पार्किंग में रोक दिया गया है। उधर महाकुंभ में जुटने वाली भीड़ को देखते हुए कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके जरिए महाकुंभ क्षेत्र पर 300 कैमरों से नजर रखी जा रही है। कमांड एंड कंट्रोल रूम की अभी कुछ रोज पहले ही सीएम तीरथ सिंह रावत ने शुरुआत की थी। इस कमांड एंड कंट्रोल रूम में हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए कुंभ के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हर की पैड़ी पर पुलिस और खुफिया एजेंसियां विशेष निगरानी रखेंगी, सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो ये है सुरक्षा व्यवस्था और इसके अलावा कुंभ की छटा क्या है लगातार हमारे दो सहयोगी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बस आज की रात और कल ब्रह्म मुहूर्त में हमें नजर आएंगे शाही स्नान करते हुए तमाम अखाड़े जिनके लिए एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल बनाया जा चुका है। हम रुक करेंगे प्राची और अजित राठी जी का जो हमें सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं।
प्राची, ये बताइए कि अब अभी भी हलचल है, लोगों की हलचल क्या पूरी रात बनी रहेगी या थोड़ी थमेगी, क्योंकि सुबह 5 बजे से तो अखाड़ों का आना शुरू होना है। स्नेहलता, सवाल मुझसे अगर आपने किया है तो देखिए यहाँ पर आवाज अब नहीं आ रही है, चूंकि अनाउंसमेंट यहाँ पर जोर जोर से होने लगे हैं, लेकिन आप छटा यहाँ की जरूर देखना चाह रही होंगी और जानना चाह रही होंगी कि यहाँ पर किस तरीके की हलचल है, तो मैं उस हलचल को अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाऊंगी। देखिए रात के 9 बजने वाले हैं, उसके बावजूद भी श्रद्धालु अभी भी माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, अभी भी श्रद्धा भाव के साथ यहाँ घूम रहे हैं, मेला क्षेत्र में घूम रहे हैं। इसके साथ ही साथ जैसा कि हम अपनी रिपोर्ट्स में दिखा रहे हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हर जगह पर किए गए हैं, जितने भी चौराहे हैं स्नेहलता, हर जगह आपको पुलिस मुस्तैदी से तैनात नजर आएगी। वाहनों की एंट्री मेला क्षेत्र पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, खासकर चार पहिया वाहन है तो एंट्री पूरी तरीके से बंद है, ताकि जो भीड़ है, भीड़ की वजह से या गाड़ियों की वजह से जो ट्रैफिक जाम है उसकी स्थिति पैदा ना हो जाए। दो पहिया वाहनों की एंट्री है, लेकिन उन्हीं लोगों की जिनके पास पास है या जो किसी काम से जाना चाहते हैं, बाकी किसी भी वाहन की एंट्री यहां पर होने शुरू हो गई है, जाहिर सी बात है। अब यही छटा है, आगे हम रुक कर लेते हैं अजीत जी का। अजीत, जल्दी से ये जानना चाहेंगे कि कोरोना के मद्देनजर किस तरीके की गाइडलाइन या जो ग्राउंड पे चीजें आपको नजर आ रही है, दर्शकों को बता दीजिए। श्रीलता, देखिए जैसा अभी यहाँ आने के बाद देखा हमने, तो लोग थोड़ा सा जागरूक हुए इस बार देख रहे हैं, तो यहाँ बहुत ही कम लोग आज ऐसे मिले होंगे हर की पौड़ी के आसपास जिनके पास मास्क नहीं था, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था और जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ठीक है, मेला प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए, यहाँ पर सैनिटाइज करने वाली मशीनें हर की पौड़ी पर रखी हैं, लोग हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, बार बार मास्क लगा रखा है, लेकिन चूंकि अभी ये शाही स्नान की पूर्व संध्या है, यहाँ अभी भीड़ भी कम है। असली चीज़ ये होगी कि कल जब सुबह शाही स्नान शुरू होगा भोर की बेला के साथ, तो उसके बाद फिर जब भीड़ बढ़ेगी और जो लोग स्नान करने जाएंगे, तब वहाँ पर देखना पड़ेगा कि भीड़ प्रबंधन में वो मास्क प्रबंधन का काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अभी आज जैसे मैंने भी आपको बताया, ज्यादातर लोग जागरूक हो रहे हैं और उन्हें लगता है कि मास्क लगाना चाहिए, सरकार इतना प्रचार कर रही है, सख्ती भी कर रही है, चालान भी कर रही है, मुकदमे भी कर रही है, तो तमाम तरह के जुर्माने लगाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है, बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत तस्वीरों के लिए, इन तमाम जानकारी के लिए। बाकी दर्शक आपसे रूबरू होंगे कल सुबह 5 बजे से लगातार। महाकुंभ के दौरान नागा साधु लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। ये नागा साधु सिर्फ कुंभ के दौरान ही नजर आते हैं। आपको दिखाते हैं कि नागा साधु कौन होते हैं और वो नागा बनते कैसे हैं। नागा साधुओं का एक अपना अलग संसार है जो अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है। ये ऐसे रहस्य हैं जो नागा साधुओं को कुंभ में उत्सुकता का केंद्र बनाते हैं। जब भी वो कुंभ में एंट्री करते हैं तो हर नजर उनकी तरफ होती है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक नागा साधु धर्म योद्धा के तौर पर जाने जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने विदेशी आक्रांताओं से रक्षा के लिए धर्म सेना तैयार की थी। इसमें ऐसे युवाओं को शामिल किया गया था जो कठोर साधना और नियमों का पालन करते हुए धर्म की रक्षा कर सके। शंकराचार्य ने धर्म के इन रक्षकों को तैयार किया जिन्हें नागा साधु के नाम से जाने जाने लगा। नागा साधुओं के रहस्य लोग को जानने की दिलचस्पी इसलिए और भी जागती है क्योंकि उनकी जीवन शैली चौंकाने वाली है। शरीर पर भस्म लगाए और बगैर कपड़ों वाले साधुओं को देखना किसी के लिए भी हैरान करने वाला अनुभव होता है। मौसम चाहे कोई भी हो, समय भले ही कुछ भी हो, लेकिन ये नागा साधु हमेशा बगैर कपड़ों के ही रहते हैं। नए नागा साधु को पहले सिर्फ लंगोट ही पहनाया जाता है, लेकिन कुंभ में आखिरी दीक्षा के बाद नागा साधु को लंगोट भी त्यागना होता है।
नागा साधु अपने शरीर पर हमेशा भस्म लगाकर रखते हैं। इन्हें ना तो हांड कपा देने वाली सर्दी की परवाह होती है, ना ही शरीर को झुलसाने वाली गर्मी की। तपस्या से नागा साधु का शरीर ऐसा हो जाता है कि उस पर कोई चीज असर नहीं करती। नागा साधुओं के लिए कुंभ इसलिए भी खास होता है क्योंकि कुंभ के दौरान नागा साधुओं को दीक्षा दिलाई जाती है। नागा साधु अलग अलग अखाड़ों से ताल्लुक रखते हैं। इन्हें अखाड़ों का सैनिक भी कहा जाता है। भगवान शिव के उपासक नागा साधुओं की अपनी ही दुनिया है जिसके रहस्य को अब तक कोई नहीं जान पाया है। नागा साधु कहीं भस्म मले तो कहीं पर धुनी रमाए दिखते हैं, यही इन नागा साधुओं की पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।